आपका पहला सवाल है, सात अजूबों में से कौन सा अजूबा आगरा में स्थित है? आपका ऑप्शन है ए ताजमहल, बी लाल किला, सी जंतर मंतर, डी कुतुब मीनार। आपका सही जवाब होगा ए ताजमहल। आपका दूसरा सवाल है, भारत की प्रथम रेलगाड़ी द्वारा कितनी दूरी तय की गई थी? आपका ऑप्शन है ए 34 किलोमीटर, बी 30 किलोमीटर, सी 25 किलोमीटर, डी 10 किलोमीटर। आपका सही जवाब होगा ए स्पेस स्पेस 34 किलोमीटर। आपका तीसरा सवाल है, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कौन सा है? आपका ऑप्शन है ए हाथी, बी शेर, सी मोर, डी अशोक स्तंभ। आपका सही जवाब होगा डी अशोक स्तंभ। आपका चौथा सवाल है, एक मच्छर के मुंह में कितने दांत होते हैं? आपका ऑप्शन है ए 28 दांत, बी 22 दांत, सी 26 दांत, डी 50 दांत। आपका सही जवाब होगा बी 22 दांत। आपका पांचवा सवाल है, भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? आपका ऑप्शन है ए नरेंद्र मोदी, बी महात्मा गांधी, सी सुभाष चंद्र बोस, डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। आपका सही जवाब होगा डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। रोजाना ऐसी ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ऑन कर लीजिए। आपका अगला सवाल है छः, निम्नलिखित में से कैसे ऊन प्राप्त नहीं होता है? आपका ऑप्शन है ए खरगोश, बी बकरी, सी भैंस, डी भेड़। आपके सही जवाब होगा सी भैंस। आपका सातवां सवाल है, ऊन का सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? आपका ऑप्शन है ए भारत, बी रूस, सी जापान, डी ऑस्ट्रेलिया। आपका सही जवाब होगा डी ऑस्ट्रेलिया। आपका आठवां सवाल है, समुद्र की रानी किस देश को कहा जाता है? आपका ऑप्शन है ए अमेरिका, बी भारत, डॉट सी फ्रांस, डी कनाडा। आपका सही जवाब होगा सी फ्रांस। आपका अगला सवाल है नौ, मनुष्य का बच्चा जन्म से कितना समय बाद हंसना सीखता है? आपका ऑप्शन है एक महीना बाद, बी तीन महीना बाद, सी दो महीना बाद, डी चार महीना बाद। आपका सही जवाब होगा एक महीना बाद। आपका दसवां सवाल है, भारतीय रेलगाड़ी में सबसे बड़ा आमदनी का जरिया क्या है? आपका ऑप्शन है ए सवारी गाड़ी, बी माल भाड़ा गाड़ी, सी तेल ले जाने वाली गाड़ी, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा बी माल भाड़ा गाड़ी। रोजाना ऐसी ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ऑन कर लीजिए। आपका अगला सवाल है 11, सास बहु मंदिर कहाँ स्थित है? आपका ऑप्शन है ए राजस्थान, बी आगरा, सी गुजरात, डी बनारस।
आपका सही जवाब होगा हे राजस्थान। आपका अगला सवाल है 12। विश्व का सबसे बड़ा स्कूल कहाँ है? आपका ऑप्शन है हे अमेरिका, बी जर्मनी, सी चीन, डी भारत। आपका सही जवाब होगा डी भारत। आपका अगला सवाल है 13। मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है? आपका ऑप्शन है हे राजस्थान, बी उज्जैन, सी भोपाल, डी ग्वालियर। आपका सही जवाब होगा सी भोपाल। आपका अगला सवाल है 14। सबसे ज्यादा किसान किस देश में है? आपका ऑप्शन है हे चीन देश में, बी भारत देश में, सी नॉर्वे देश में, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा बी भारत देश में। आपका अगला सवाल है 15। कौन से अनाज के छिलके खाने से शरीर में विकास होता है? आपका ऑप्शन है हे जू के छिलके से, बी दाल के छिलके से, सी मूंग दाल के छिलके से, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा हे जू के छिलके से। रोजाना ऐसी ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ऑन कर लीजिए। आपका अगला सवाल है 16। भारत में कुल कितनी भाषाएं बोली जाती हैं? आपका ऑप्शन है ए 70 भाषा, बी 90 भाषा, सी 100 भाषा, डी 121 भाषा। आपका सही जवाब होगा डी 121 भाषा। आपका अगला सवाल है 17। नागिन झील भारत में कहां पर स्थित है? आपका ऑप्शन है हे गुजरात में, बी बिहार में, सी जम्मू कश्मीर में, डी उत्तराखंड में। आपका सही जवाब होगा सी जम्मू कश्मीर में। आपका अगला सवाल है 18। अंगारे उगलना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? आपका ऑप्शन है हे मुंह से अंगारे निकालना, बी कठोर वचन कहना, सी आग का फैल जाना, डी ज्वालामुखी फूट पड़ना। आपका सही जवाब होगा बी कठोर वचन कहना। आपका अगला सवाल है 19। भारत में सबसे पहले सूरज कहाँ निकलता है? आपका ऑप्शन है हे गुजरात, बी बिहार, सी पंजाब, डी अरुणाचल प्रदेश। आपका सही जवाब होगा डी अरुणाचल प्रदेश। अब यह सवाल आपके लिए, आप सभी लोग इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपका सवाल है भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? आपका ऑप्शन है हे क्रिकेट, बी कबड्डी, सी हॉकी, डी शतरंज। आपका सही जवाब क्या होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल को आप सभी लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ऑन कर लीजिए। धन्यवाद।